अल्लाह का शुक्र। ठीक है, किधर गाड़ी खड़ी कर गए आप? तो बोर्ड का उस तरफ है ना। गुड वन। तो आपको पता ही नहीं था? मैं इस तरफ से आया, मुझे क्या पता था। नहीं, पहली दफ़ा आ रहे हैं आप? जी, मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। क्या काम करते हैं? सर मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का? एडवर्टीजमेंट का। अरे वेरी नाइस। कितना पढ़े हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किए हुए? वैसे आपको पता है रॉन्ग पार्किंग से बड़ा मसला होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल होता है। मैं आपको भी होता होगा सर। अभी इनको मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट कोई ऐसी पार्किंग ही बनाए जहाँ पे बंदा आकर गाड़ी पार्क कर दे। अब किसी ने यहाँ पे जाना है किसी के सामने तो किधर गाड़ी लगा दी थी सर? किधर पार्किंग है, कहाँ पार्क? जो साइड है ये सारी फील थी ना, सारी फील थी। तो आपने कहा आप यहाँ लगा? तो मैं, मेरी मजबूरी थी। मैं क्या आप सर पे भी गाड़ी अपनी लेके जा सकते? सर पे तो नहीं खड़ी कर सकते ना गाड़ी अपनी? सर पे नहीं खड़ी कर सकते, सड़क पे भी नहीं खड़ी कर सकते ना भाई। सर आप मुझे बताए ना मैं कहाँ पे खड़ी करूँ, आप मुझे बताएं। आप खुद कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं कारोबार करता हूँ। पांच मिनट भी मैंने यही बताया कर रहे हैं, इतनी देर हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं सर पे नहीं खड़ी कर सकता। तो भाई सड़क पे भी नहीं खड़ी, सड़क पे खड़ी कर सकते हैं बाबा साहब? सड़क पे नहीं खड़ी कर सकते, वो कह रहे मैं सर पे नहीं खड़ी कर। सर जब आप इधर रॉन्ग पार्किंग लगाएंगे तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी कानूनी, 23 नंबर कोड में 2000 रुपये फाइन होगा सर। आगे सर ये अपने सामने देखें आप, नो पार्किंग लिखा हुआ है, ज़्यादा दूर भी नहीं है आपके, ये देखें बिल्कुल साथ। मैंने देखा ही नहीं है, मैंने सीरियस नहीं देखा, क्योंकि उसका देखा होगा आपने, लेकिन बंदा यही देख रहा था यार साइन बोर्ड किसके लगा दिया इन्होंने। चले सर, आप रोड पे खड़ी करके जा रहे हैं सर। माजरा सर, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पांच जो गाड़ी है उनको भी फाइन हुआ है, ठीक है? 5 मिनट हो यार सर, 5 सेकंड हो, ठीक है? आपने रॉन्ग पार्क तो की है ना गाड़ी, आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं ना, आपने रॉन्ग पार्क की है। आप कह रहे हैं जगह ही नहीं है सर, एडमिट कर रहे हैं आप रॉन्ग पार्किंग हुई है, हुई है। उसका फाइन है ना सर छोटा सा, वो फाइन पे करें, मूव कर दें, 2000 रुपये। तो 500 नहीं था यहाँ पे? यानी आपका पहले भी चलान हुआ है रॉन्ग पार्किंग पे, यहाँ पे पहले भी चलान हुआ है आपका? आपने कहा 500 नहीं, मैं कहा 500 चलान, 200 था, 500 होता नहीं था, 200 था, तो मुझे नहीं पता। अब 2000 हो गया जी। मोहतरम अपना आईडी कार्ड प्लीज चेक करवाइएगा। लाइसेंस बना हुआ वैसे? लाइसेंस बना हुआ। अच्छी बात है, ये लाइसेंस लाइसेंस ना होने पर भी 2000 का जुर्माना? जी लाइसेंस ना होने तो कह रहा है कि आपका लाइसेंस बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, इनका 2000 रुपये का जुर्माना हो रहा है। जी सर, जी सर, भाई 2000 रुपये का जुर्माना हो रहा है, लेकिन अब आप कोशिश कीजिएगा कि दोबारा ना करें ताकि 2000 रुपये का दोबारा जुर्माना हो जाए। मैंने आने ही नहीं इधर, ये आना ही नहीं वैसे ही सर, यहाँ पे नहीं है हर जगह नहीं, ज़्यादा इशू यहाँ पे है ना पार्किंग का, यहाँ पे इशू ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत इशू है। यहाँ पे जब भी आप, मैं तो जब भी आया मुझे कोई भी कोई जगह नहीं मिली, कभी जगह नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये, तो भाई बात कर रहे हैं इस एरिया में, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि पार्किंग का मसला इतना ज़्यादा है कि आम आदमी जब अपनी गाड़ी लेकर आता है तो वो ये देखता है कि मैं गाड़ी किधर खड़ी करूं, क्योंकि ये जो राइट साइड पर है ये ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड होती है, फुल होती है, आपको जगह नहीं मिलती। पार्किंग प्लाजाज हमने बनाए नहीं है, हमने लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई है, उसका मकसद ये था बनाने का कि वो पार्किंग को रेगुलेट करेगी, प्लाजाज बनाएगी, लोगों के लिए मसाइल हल करेगी, लेकिन वो नहीं हो रहा। आप कैंपेन का आगाज़ कर दिया और ये तो चलान किया जा रहा है, कैंपेन का हिस्सा है लोगों को बताने के लिए कि पार्किंग प्लाजा बनाए नहीं, चलान बढ़ाए हैं, चलान बढ़ाए जा रहे हैं। ये बात ठीक है, ये बात रीज़न ठीक है आगे पार्किंग प्लाजाज बनाए नहीं गए, पार्किंग को सिस्टमेटिक नहीं किया गया, लेकिन जो चलान है वो अब बढ़ा दिया गया है।